बिहार की राजधानी पटना में मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में बुधवार सुबह अचानक आग भड़क गई। आग कॉम्प्लेक्स के पहले फ्लोर पर लगी थी, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। ये आग बंद फोटो स्टूडियो और ट्रैवल की दुकान में लगी थी, लेकिन आग ने वहां मौजूद कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया था। आग लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद दमकल की 5 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं दुकानदार अभिनव के मुताबिक ऊपर की दुकान में पानी का लीकेज था, जिससे शॉर्ट सर्किट में हुआ है और आग लगी। आपको बता दें, सुबह का समय होने की वजह से वहां ज्यादातर दुकानें बंद थी, जिसके कारण यहां गिने चुने लोग ही मौजूद थे। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। न्यूज़